मेरी माँ जाई बहन अमर कौर का, तेरा बड़ा भाई भगत सिंह बहुत बहुत स्वागत करता है बहन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता है। भैया भगत सिंह, इस जेल के अंदर जब मैं आई थी, जब मैं अपने घर से चली थी, तो मेरे मन में बस ये सवाल था, यही ख्याल था कि अपने भाई के पास में तो जा रही हूं, लेकिन अपने भाई का हौसला बढ़ा के आऊंगी। लेकिन जब से मैंने तेरे हाथों में ये हथकड़ी, पैरों में बेड़ियों को देखा, तो अपने आपे को रोक नहीं पाई भगत सिंह। अब सिर्फ तुझसे एक ही विनती प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो तेरे सर पे ये आजादी का जुनून सवार है, अरे कुछ नहीं रखा इस आजादी को लाने के लिए, तुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी भगत सिंह। ये जिद छोड़ दे मेरे भाई, ये जिद छोड़ दे। और क्या करूं? क्या करूं? हाँ। मेरे साथ अपने घर वापस चल। बात अच्छी लगे तो बताना, क्या कहा मैं घर वापस चलूं? तू अपने घर वापस चल, मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ मेरे भाई। ऐ मेरी माँ जाई बहन, उसी कोख से तूने जन्म लिया और उसी कोख से मैंने जन्म लिया है। उसी महर्षि दयानंद सरस्वती की तू शिष्या है, उसी का मैं शिष्य हूँ। और दादा की सिखाई हुई बातें, दादा अर्जुन सिंह की सिखाई हुई बातें क्या तू भूल गई है? देश से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। क्या इस देश में गाना नहीं बजता? तू कहती है घर चल, मैं गुलामी के घर में जीना नहीं चाहता। एक ही प्रतिज्ञा करके घर से निकला था भगत सिंह, अगर घर वापस लौटूंगा तो भारत माता जब आजाद हो जाएगी तब लौटूंगा, नहीं तो इस गुलामी के घर से जेल की रोटी खाना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं जेल में मर मिट जाऊंगा। ऐसी बातें मत कर भगत सिंह, तू अच्छी तरह से जानता है कि कुछ दिन के बाद में एक त्योहार आने वाला है। तो फिर रक्षाबंधन अपनी बात कहे, वो त्योहार क्या है और तू क्या कहने आई है? मेरी बात सुन मेरे भाई, जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो, मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। बड़ा वाजिब प्रश्न है, किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? अरे हाँ, मेरी बहनों, जो अपने भाइयों से प्रेम करती हैं, आगे की लाइन पे जवाब अच्छा दे दूं तो सबकी तालियां मिले। सुन बहन। हाँ भाई। अरे देश ते जुड़ा है बहना प्यारा, अरे बेबे क्यों घबराए, यो भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो, मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। फांसी लगाई जाएगी मेरे भाई, तू ये कैसी बातें कर रहा है? इस संसार के अंदर कोई किसी का नहीं होता, ये सारा संसार मतलब का है। हाँ। मेरी बात जरा ध्यान से सुन मेरे भाई,
पहना का हाल होगा, गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को ना ख्याल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को ना ख्याल होगा। देश की अरे कोई ना मेर, देश की खातर जाने झोंक दे उसे ही कहा जा शेर। तू हंसी खुशी घर वापिस जाइए आंसू क्यों रही सगे, हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही सगे। सर पे उठा चाहे होती ना समाई मेरे गात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख ठाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बनाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बनाए बैठी। अरे 900 साल गुलामी भोगी, 900 साल गुलामी भोगी, सारे याद मुझे इतिहास, आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस, भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास, अरे भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। झिले ना किसी पे ऐसी मार हो माँ, कष्ट पावे रोया करेगी दिन रात में, भारत रहेगा तेरे साथ में। तू कहती है हाँ कि मेरे मर जाने से मेरी माँ रोएगी, हाँ रोएगी, पर जिस दिन मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए अमर कौर, उस दिन मेरी माँ को रोना नहीं है बल्कि गीत गाने हैं। गीत गाने हैं? हाँ। कैसे गीत? और अगर मेरी माता और बहनों, ऐ मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, अगर ये दो लाइन आपके दिल को छू जाएं और आपको लगता हो कि भगत सिंह ने भी फांसी के फंदे को चूमते वक्त यही गीत गाया होगा, तो आप सब देशभक्त बन के एक बार मेरे साथ गाना। क्या क्या गाया भगत सिंह ने? क्या है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। Oh, 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 oh
भाई, तूने मुझे इतना बता दिया कि मेरी माँ को जाकर के समझा देना, और तूने रक्षाबंधन के बारे में भी मुझे समझा दिया। लेकिन एक बहन के जीवन में दो ऐसे वक्त आते हैं कि जब एक बहन को अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक तो होता है रक्षाबंधन का त्योहार, जब हर बहन का ये सपना होता है कि वो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधे, और एक दूसरा दिन एक बहन के जीवन में ऐसा आता है कि हर बहन ये चाहती है कि आज मेरा भाई मेरे पास में आए। वो कौन सा दिन होता है भगत सिंह, मेरी बात जरा सुन ले। डोल रहा मेरे नैनो ते रुके ना नीर, ब्याह बात के मौके पे कुण भगत सिंह उड़ावे चीर, ब्याह बात के मौके पे कुण भगत सिंह उड़ावे चीर। अरे तू शेरों की बहन शेरनी, तू शेरों की बहन शेरनी, मत रोने कलीजे नाम, माता जी को मेरी माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम परनाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम, धूल जवानी पे पड़ जा जो मेरी भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी करतार हो क्या कष्ट दिखाए, मैं भी मरूंगी तेरे साथ में, भारत रहेगा तेरे साथ में। सजा सुनाई उसने मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। और बच्चा जे बोलेगा, बच्चा जे बोलेगा, परले तक गुणगान होगा। तू कहती है किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी, हाँ भाई, और नेग कौन देगा, हाँ, उसका इंतजाम करके जा रहा हूँ। क्या? और तू कहती है भात कौन भरेगा, हाँ भाई, इसका भी जवाब दे के जा रहा हूँ। और ए भूप खेड़ा के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवानों और मेरी माताओं बहनों, इन तीन लाइनों में तो कवि ने तोड़ दी है कलम, इतने अच्छे तरीके से लिखा है। अगर आपका दिल जीत लियो इन लाइनों से तो आप सबकी मोहब्बत मिले तालियों से सुनने के बाद। बच्चा जे बोलेगा, परले तक गुणगान होगा, तेरी राखी के नेक जोग में बहन मेरा बलिदान होगा,
कहे जय करण, एक कहे जय करण न्यू कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। एक कहे जय करण न्यू कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो यो राधा गावे सुरती लगा के दुर्गे मात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में।